ठीक हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था, तीन टाइप कर लिए थे ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तक कर लिया था, है ना? चलो आगे करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इंजक्शन। इंजक्शन से हम टर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? इंजक्शन लिखो फिर मैं बताती हूँ। ये जो वर्ड है इंजक्शन, ये लिखो। चलो इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन इज बेसिकली लाइक अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बट फॉर अ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट। एन इंजेक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना लैंड सेल करना है नियम को। ऑलराइट, मैं अपना सन अपना जो लैंड है वो नियम को सेल कर रही हूँ। हिकम मेरी कजन है। ऑलराइट, हिकम मेरी कजन है, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कोर्ट में। उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिट डाल दी कि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उस लैंड में मेरा भी हक है। ठीक है, तो इंजक्शन में क्या होता है? जब कोर्ट किसी चीज को बाउंड कर दे, कोर्ट मना कर दे कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। ठीक है, इंजक्शन जब कोर्ट आपको ऑर्डर करता है कि आप स्पेसिफिक चीज को परफॉर्म नहीं करोगे। ऑलराइट, ये पॉइंट समझ आया? फिर हां जी, और एक बार बोलिए ना। बोल रहे हैं। इसमें क्या है, इंजक्शन में क्या होता है? जब आपको कोर्ट मना कर दे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है, वो इंजक्शन होता है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? हमारा टॉपिक क्या है? हम पढ़ रहे हैं रेमेडीज। ठीक है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो उसके बाद हम उसे ट्रीट कैसे करते हैं। ऑलराइट, हमने उसमें पढ़ा था फर्स्ट रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड हमने पढ़ा था स्यू फॉर डैमेज, और थर्ड हमने पढ़ा था स्यू फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब उसी में फोर्थ पार्ट है हमारा इजक्शन। इसमें क्या होता है? जब हम कोर्ट के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्ट को रुकवा देते हैं, ठीक है, जब कोर्ट के थ्रू हम ऑर्डर्स ले आते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को रुकवाने के लिए, या फिर कोर्ट ऑर्डर कर देता है खुद से कि आप ये नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब एक केस हुआ था, आपने टोल टैक्स देखा है कभी? टोल टैक्स बने होते हैं ना न्यू रोड के ऊपर, टोल टैक्स जानते हो? वो एक बड़ा सा एक जंक्शन टाइप बना नहीं होता जिसके अंदर आपकी कार या फिर व्हीकल को रोक के आपसे अमाउंट चार्ज करते हैं उस रोड पे जाने के लिए, अप डाउन का जो होता है, राइट, टोल टैक्स उसे बोलते हैं। ठीक है, टोल टैक्स एक हुआ था यहाँ पे, राजपुरा एरिया सुना होगा, यहाँ पर एक टोल टैक्स था। जब कंपनी ने वो बनाया था तो उन्होंने कहा था हम सिर्फ 10 ईयर्स के लिए टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे, 10 ईयर्स के बाद हम इसको हटा देंगे, हम नहीं उसके बाद कलेक्ट करेंगे। बट वो कंपनी 10 साल के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैरी ऑन कर रही थी। कंपनी क्या कर रही थी? उसके बाद भी टोल टैक्स कलेक्ट कर रही थी 10 साल के बाद भी। तो वहां पर एक दिन एक जज आते हैं, ठीक है, वो जज अपने किसी पर्सनल काम से जा रहे थे, फिर उन्होंने बाद में वो देखा कि टोल टैक्स जो है वो 10 साल के लिए था, ये फिर भी चार्ज कर रहे हैं। तो उस जज ने खुद जाकर उसके खिलाफ पिटीशन पिटीशन डाली और उस टोल टैक्स को बंद कराया। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर से उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करा दिया गया। समझ आया एग्जाम्पल? कोर्ट की साइड से जब ऑर्डर आते हैं तो इंजक्शन होता है।
समझ आ गया। लास्ट पॉइंट है हमारा क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट क्वांटम मैरिट होता है जितना आपने अर्न कर लिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से पहले, वो अमाउंट आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक लैंड था, उसमें ए और बी दोनों ने डील किया, ठीक है, तो बी बाद में पैसे लेकर भाग गया, ठीक है। उसने, मैं एक एग्जाम्पल आपको सही से सोच के बताती हूँ क्वांटम मैरिट के लिए, पहले तो पढ़ लेते हैं। क्वांटम मैरिट लिटरली ट्रांसलेट टू एज मच इज अर्न, मतलब जितना आपने उस टाइम पीरियड तक अर्न कर लिया है। एट टाइम व्हेन वन पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिनिशिंग हिज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर पार्टी, ही कैन क्लेम क्वांटम मैरिट। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बन रही थी, ठीक है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस कंपनी को उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम दिया हुआ था उसने 50% काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बिल्डिंग का ऑनर है वो उन्हें मना कर देता है कि बस मुझे आपसे और बिल्डिंग नहीं बनवानी, मैं दूसरी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब ए जो कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन कर रही थी, ठीक है, जो सारा 50% काम खत्म कर चुकी थी, वो कोर्ट में जाती है और बोलती है कि ये इन लोगों ने हमें आधे काम के बीच में निकाल दिया, इन्होंने हमें आधे काम के बाद काम करवाने से मना कर दिया। तो कोर्ट क्या जजमेंट देता है, कोर्ट कहता है ठीक है इन्होंने आपको निकाल दिया, बट आपने 50% काम किया है तो जितना 50% का अमाउंट आपका बनता है वो आपको मिलेगा, दैट इज क्वांटम मैरिट, ठीक है। जितना आपने काम कर लिया उस टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट टूटने से पहले, उतने काम के आपको पैसे मिलेंगे, जितना आपने अर्न कर लिया वो आपका कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एक तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करने का। फाइन, ये समझ आया, पांचों पॉइंट समझ आए। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इन विच केस एंड डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस नॉट बी गिवन। डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस किस इस उसमें स्पेसिफिक में नहीं दी जाती केस में। इन सर्टन केसेस कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कुछ केसेस हैं जिनमें कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकता। किस में, व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज सफिशिएंटली रिड्रेसल, जब कोर्ट में जाने से पहले ही पैसे का लेन देन हो चुका है, ठीक है, जब कोर्ट में जाने से पहले ही सफिशिएंट काम के पैसे मिल चुके हैं तो कोर्ट बीच में नहीं आ सकता। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, हियम और निकम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक बिल्डिंग बनाने का, ठीक है, नियम कंस्ट्रक्शन करवा रही थी और हिकम कंस्ट्रक्शन कर रही थी, ठीक है। क्या हुआ, नियम ने हिकम को 50% काम खत्म करने के बाद मना कर दिया कि अब मुझे 50% काम आपसे नहीं कराना। तो उसके बाद नियम ने उसके 50% काम के पैसे भी दिए, ठीक है, पैसे भी दे दिए कि 50% के पैसे ले लो, इससे आगे मुझे तुमसे काम नहीं करवाना। उसके बाद हिकम कोर्ट में चली जाती है और कहती है इसे कहिए कि मुझे बाकी का 50% काम करने देगी। तो कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट उसमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कोर्ट कहेगा आपको 50% काम के पैसे मिल चुके हैं, इसके बाद अगर वो आपसे काम नहीं कराना चाहती है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट है जब मॉनेटरी कंपनसेशन पहले ही मिल गया है। सेकेंड पॉइंट है जिसमें कोर्ट नहीं कर सकती, वेयर द कोर्ट कैन नॉट ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती जहां पर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से आप कह लो कि एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, सिर्फ एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई थी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, तो वहां पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। जहां पर सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ था, अग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं हुए थे, वहां पर जो कोर्ट है वो कोई हेल्प नहीं कर सकता है।
थर्ड पॉइंट है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ऑफ अ पर्सनल सर्विस, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल सर्विस से रिलेटेड है. जो मैंने आपको डिनर वाला एग्जांपल दिया था कि नियॉम ने हिकम को डिनर पे बुलाया, वो नहीं गई, तो कोर्ट उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती. कोर्ट नियॉम को नहीं बोलेगी कि डिनर कराओ, ना ही हिकम को कहेगी कि आप डिनर पे जाओ. ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ आया. लास्ट पॉइंट है व्हेन वन पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ माइनर. मैंने आपसे कहा था जिस केस में माइनर आ जाएगा वहां पे माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, कोर्ट माइनर को कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, चारों समझ आ गए. ये क्वेश्चन है, एक तरीके से आप इसको याद कर लेना, कोई भी इसमें बाद में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना. आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. दो वर्ड्स हैं, वन इज इंडेमनिटी, सेकेंड इज गारंटी. इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये दो वर्ड्स हैं, हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं. आई एन डी ई एम एन आई टी वाई. विजिबल है या मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं? जूम इन करूं या विजिबल है? Is it visible? या फिर इसको मैं zoom in करूं? ठीक है मैम. ठीक है. Indemnity और guarantee. Guarantee तो समझते हो क्या होता है? ठीक है. Guarantee क्या होता है? जब मैंने और हिकम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तो नियॉम आके बोलती है कि नहीं मैं गारंटी लेती हूँ, हिकम काम पूरा करके देगी. ठीक है, वो गारंटी होगी. फाइन. सेकंड, जो इंडेमनिटी है वो क्या होती है? फॉर एग्जांपल, नियॉम और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ. हिकम क्या कहती है कि अगर एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, नियॉम कहती है कि अगर एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिकम काम पूरा नहीं कर पाएगी तो मैं कंपनसेट करूंगी, उसकी साइड से पैसे मैं दूंगी. ठीक है, आप इंडेमनिटी प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, समझ आया? दोनों में फर्क पढ़ लेते हैं क्या होता है. व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मीनिंग है अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, रुक जाओ, यहाँ पे लिखा है मीनिंग, मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी क्या है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी प्रॉमिस टू अदर दैट ही विल कंपनसेट हिम फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय हिम बाय द एक्ट ऑफ प्रॉमिस. ठीक है, इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है दैट अगर वो पर्सन आपका काम करके नहीं देगा तो मैं उसके बिहाफ पे आपको कंपनसेशन दूंगी. ठीक है, अगर मेरे और हिकम के बीच में 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नियॉम को 50,000 के लिए कंपनसेशन देने को रेडी है कि अगर हिकम काम पूरा नहीं करेगी तो 50,000 का कुछ अमाउंट मैं आपको दे दूंगी, मैं आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दूंगी. फाइन, इंडेमनिटी समझ आया? लिखने के लिए टाइम चाहिए? ये नोट्स वैसे आपको मिल जाएंगे तो मैं अभी के लिए पढ़ा देती हूँ. ठीक है, मीनिंग ऑफ गारंटी, गारंटी की बात करें, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पार्टी प्रॉमिस टू अदर पार्टी दैट ही विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या होता है गारंटी में कि अगर हिकम ने करेगी तो मैं कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा. ठीक है, समझ आया? अभी तो बेसिक डिफरेंस समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, अभी आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट है डिफाइंड इन. इंडेमनिटी हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? इंडेमनिटी सेक्शन 124 में आती है. ठीक है, इंडेमनिटी के बारे में सेक्शन 124 में लिखा गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, और गारंटी के बारे में कहां लिखा है? गारंटी के बारे में सेक्शन 126 कहता है. सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गारंटी की बात करता है.
ठीक है, जब भी आप अगर बात करोगे गारंटी, आपको क्वेश्चन आ जाता है दैट एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट गारंटी, तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, दैट गारंटी टॉपिक इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर उसके बाद मीनिंग लिख दोगे गारंटी होती क्या। ठीक है, समझ आया? अगर आप सेक्शन को हाईलाइट करके आओगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर देखेगा ध्यान से कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, उसको पता है कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, राइट? चलो, मीनिंग समझ आ गया, डेफिनेशन कहाँ लिखी है ये भी समझ आ गया। थर्ड है पार्टीज कौन कौन सी होती है। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड। देखो दो पार्टीज है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। ओके, इंडेमनीफायर कौन होता है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कंपनसेशन दूंगा, राइट? इंडेमनीफायर कौन होता है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका जो कंपनसेशन है वो मैं दूंगा। ठीक है, अब हम थे इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड पे। इंडेमनीफायर वो जो कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इंडेमनीफाइड वो जिसे कंपनसेशन दिया जा रहा है। अगर मुझ में और हिकम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मुझे जो इंडेमनीफाई कर रही है वो न्योम है, तो न्योम इंडेमनीफायर है और मैं इंडेमनीफाइड हूँ, क्योंकि मुझे वो बाद में कंपनसेशन मुझे मिलेगा। कंपनसेशन जो देगा वो इंडेमनीफायर, जिसे कंपनसेशन मिलेगा वो इंडेमनीफाइड। क्लियर? क्लियर है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड दोनों? नेक्स्ट है हमारा गारंटी में पार्टीज कौन कौन सी आती है, पार्टीज एंड गारंटी। पार्टीज इन गारंटी की बात करें तो इसमें क्रेडिटर भी आ सकता है। क्रेडिटर कौन होता है, जो क्रेडिट पे पैसे दे, जो कर्ज देता है। ठीक है, जिसने आपको कर्ज दिया वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, एक एक हर एक उसको बताऊंगी, हर एक टॉपिक को बताऊंगी। क्रेडिटर वो होता है जिससे जिसने आपको कर्जा दिया। मान लो नियम को जरूरत थी 5000 की और हिकम ने उसको पैसे दे दिए 5000, तो जो हिकम है वो क्या है, हिकम क्रेडिटर है। समझ आया क्रेडिटर कौन होगा? नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर। सेकेंड लिखा हुआ है प्रिंसिपल डेटर। डेटर होता है जिसे कर्जा मिला। मींस अगर हिकम ने नियम को पैसे दिए हैं तो हिकम जो है वो क्रेडिटर है और नियम जो है वो डेटर है। समझ आया? और थर्ड पार्टी इसमें जो होगी वो श्योरिटी नाम से होगी। थर्ड पार्टी श्योरिटी, जिसने अश्योरेंस दिया है। हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं इंडेमनिटी में और गारंटी में। इंडेमनिटी में सिर्फ दो पार्टीज होती हैं और जो हमारी गारंटी होती है उसमें तीन पार्टीज होती हैं। दो पर्सन वो जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तीसरा पर्सन वो जो श्योरिटी ले रहा है। मान लो हिकम ने नियम को पैसे दिए हैं पर हिकम नियम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा कि हिकम कोई बात नहीं, आप उसे पैसे दे दो, अगर वो नहीं कर पाएगी तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं वो काम कर दूंगी। ठीक है, तो वहां पर श्योरिटी मैं हूं, थर्ड पार्टी जो है वो श्योरिटी होगी। समझ आया? इंडेमनिटी में सिर्फ दो पार्टीज और हमारी गारंटी में तीन पार्टीज होती है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड में। पर अगर हम बात करें गारंटी की, तो गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोग आपस में डील कर रहे हैं उन दोनों के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे मान लो कि क्रेडिट, अगर हम मैं इन तीनों की बात करूं, क्रेडिटर डेटर और श्योरिटी, पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा क्रेडिटर और डेटर के बीच में। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी और डेटर के बीच में। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। समझ आए तीनों? इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे गारंटी में, और हमारी इंडेमनिटी में सिर्फ दो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टीज के बीच में।
डिग्रीज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ प्रोमिसर, डिग्री ऑफ लाइबिलिटी मतलब कि कब उनकी जो लाइबिलिटी है वो कब बनती है, जो आपने प्रोमिस किया वो कब देना पड़ेगा, जो इंडेमनिटी है उसमें प्राइमरी बनती है, मतलब मैं स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हूँ इंडेमनिटी में, और सेकेंडरी बनती है गारंटी में। गारंटी में सेकेंडरी कैसे है, मैं तब आऊंगी गारंटी में जब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जब आप दोनों आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब मैं श्योरिटी आ पाऊंगी। वरना इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है, हमने स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही एक पर्सन को बीच में रखा हुआ होता है। अब इन दोनों के बीच में फर्क कैसे समझ आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप दोनों पहले मिले, ठीक है, मैंने आप दोनों को मिलवाया, तो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया मैं वहां पे प्रेजेंट थी, ठीक है, वो इंडेमनिटी होगा। पर गारंटी में क्या होगा, आप दोनों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर कुछ दिनों बाद हम तीनों मिलते हैं तो पता चलता है मैं आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड हूँ, ठीक है, मैं आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड हूँ, और फिर मैं अश्योर कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ तो मैं बीच में हूँ, आई विल हेल्प आउट यू, ठीक है, मैं बाद में आई हूँ अगर गारंटी की बात की जाए तो, पर इंडेमनिटी में मैं पहले से वहां पे प्रेजेंट होंगी। समझ आया दोनों? नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस क्या होता है इंडेमनिटी का, टू कंपनसेट फॉर लॉस, अगर कंपनसेशन की बात आएगी तो वो इंडेमनिटी होगा, ठीक है, और दूसरा गारंटी में पर्पस क्या होता है, टू गिव अश्योरेंस, मैं सिर्फ अश्योरेंस देने के लिए आऊंगी, ठीक है, मैं अश्योर कर रही हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता मैं तो आ जाऊंगी, बट पर्पस ऑफ इंडेमनिटी इज टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट है मैच्योरिटी ऑफ लाइबिलिटी, मतलब मेरी लाइबिलिटी कब अराइज होगी। इंडेमनिटी में लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब कंटिंजेंसी हो जाएगी, यानी इसकी जो लाइबिलिटी है वो कभी भी आ सकती है, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म हो सकता है, उस टाइम में आ सकती है। मैच्योरिटी ऑफ लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब है कि मेरी लाइबिलिटी कब बनेगी, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं कब उस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हूँ, या फिर मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने आपको कंपनसेशन का प्रॉमिस किया था इंडेमनिटी में, ठीक है, मैंने आपको इंडेमनिटी में कंपनसेशन का प्रॉमिस किया था, तो मैं कब कंपनसेट करूंगी, जब आपको लॉस हो जाएगा तब, मैंने प्रॉमिस किया था जब लॉस होगा मैं आपको कंपनसेट करूंगी, तो मेरी लाइबिलिटी कब होगी, जब आपको लॉसेज आकर हो जाएंगे, और गारंटी के अंदर लाइबिलिटी हमेशा रहती है, ठीक है, गारंटी के अंदर लाइबिलिटी हमेशा रहती है, क्योंकि मैंने गारंटी दी है तो आप दोनों की जब भी मीटिंग होगी आप मुझे बुलाओगे कि हम उस गारंटर को, उस बिचौलिया को बीच में रखेंगे जरूर, क्योंकि मैं आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, मैं हर टाइम प्रेजेंट रहूंगी गारंटी में, पर इंडेमनिटी में मैं तब आ सकती हूँ जब आपको लॉसेस अकर हो जाएंगे। अब एक इंडेमनिटी का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मिस्टर जॉय इज अ शेयर होल्डर ऑफ अल्फा लिमिटेड, यानी अल्फा लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मिस्टर जॉय ने खरीदे हैं, ठीक है, लॉस हिज सर्टिफिकेट, जॉय का सर्टिफिकेट खो गया, जॉय अप्लाइज फॉर डुप्लीकेट वन, जॉय ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेशन दिया कंपनी को, द कंपनी अग्रीज बट ऑन द कंडीशन that Joy compensate for the loss of damage of the company if third person bring the original certificate. उन्होंने क्या कहा, कंपनी कहती है कि मैं आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देने को रेडी हूँ, बट आपको मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा, किस लिए, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ले आता है तो। शेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली शेयर्स पे शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है, सिर्फ इतना लिखा होता है कि सो एंड सो कंपनी के शेयर्स हैं, सो एंड सो प्राइस के हैं, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता। अगर हिकम ने शेयर्स परचेज किए हैं और नियॉम शेयर्स लेकर कंपनी के पास पहुंच जाएगी तो नियॉम को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, शेयर्स पे नाम नहीं लिखा होता, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन था उसके ओरिजिनल पेपर्स लेके पहुंच जाता है तो लॉस तो कंपनी को होगा। तो कंपनी ने क्या बोला
कि ठीक है मैं आपको डुप्लीकेट देने को रेडी हूँ पर आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर कोई थर्ड पर्सन आपके ओरिजिनल पेपर ले आता है, क्योंकि कंपनी तो दो बार पे कर देगी ना, एक बार डुप्लीकेट पेपर पे पे करेगी, एक बार ओरिजिनल पेपर्स पे पे कर देगी। ठीक है, समझ रहे हो? इंडेमनिटी समझ आया? गारंटी क्या है? गारंटी का एक एग्जांपल है, मिस्टर हैरी टेक अ लोन फ्रॉम बैंक। मिस्टर हैरी ने बैंक से लोन लिया, फॉर विच मिस्टर जोसेफ हैज गिवन द गारंटी। थर्ड पर्सन जोसेफ ने गारंटी दी थी That if Harry default, bank को guarantee Joseph ने दी कि अगर Harry नहीं आता, Harry payment नहीं कर पाता for the said amount, he will discharge the liability. तो जो पैसे हैं वो Joseph pay कर देगा। ठीक है? Here Joseph plays the role of surety. यहाँ पे Joseph जो है वो surety के तौर पे है। Harry जो है वो debtor है और bank जो है वो creditor है। समझ गए? ठीक है? Harry ने bank से loan लिया। बैंक को श्योरिटी किसने दी? जोसेफ ने। जोसेफ यहाँ पे श्योरिटी होगा। ये हैरी ने लोन लिया है, कर्ज लेने वाला कौन होता है? डेटर। एंड कर्ज देने वाला कौन होता है? क्रेडिटर। यहाँ कर्ज दे कौन रहा है? लोन दे रहा है बैंक। ठीक है, समझ आया? दोनों में फर्क समझ आया? इसमें सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा और जो ऊपर इंडेमनिटी में है, सिर्फ अल्फा लिमिटेड और जोए हैं। इन दोनों ने ही दोबारा से इंडेमनिफाई किया कि अगर थर्ड पार्टी कभी अगर थर्ड पार्टी ओरिजिनल पेपर ले आएगी तो फिर उसके बाद मैं आपसे कंपनसेशन लूंगा। बट गारंटी में शुरू से ही उसने गारंटी कर रखा है कि अगर जो हैरी जो है वो पेमेंट नहीं करेगा तो जोसेफ उसकी जगह पे पैसे बैंक को देगा। ठीक है, एक बार ही इसको दोबारा गो थ्रू करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ में ज्यादा जल्दी नहीं चलेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फाइन।